हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। और वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे बता रहा हूँ, आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, बुरे हालातों में, बुरे परिस्थितियों में क्यों ना हो, यदि आप यीशु नासरी के पास आए हुए हो, परमेश्वर के पास आए हुए हो, तो यीशु ने कहा है तुम मेरे हो। मेरे कोई आंधियां, कोई तूफान तुम्हें डरा नहीं सकता है, कोई आंधियां तुम्हें डरा नहीं सकती है, कोई तूफान तुम्हें उड़ा नहीं सकता है, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, गरीबी में हो, बीमारी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हुए हो, घबराए हुए, तो आज मैं आपसे बता रहा हूँ, यदि आप यीशु नासरी के पास आए हो तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा और आप हील हो जाएंगे। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, उसने हम सभी से बहुत प्रेम किया है। उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा, सिर्फ हम सभी मानव जाति के खातिर, जो सब हम सजा हम सभी मानव जात को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु पापा ने अपने ऊपर लिया, मारा गया, गाड़ा गया, परंतु पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वह जिंदा है और आज भी जीवित है, वो आपके बीच में है, आपके जीवन में आना चाहता है। यदि आप बुला रहे परमेश्वर को, तो यीशु मसीह आपको आजाद करेगा, आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रियजनों, वो महान जीवित परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने लाचर को जिलाया, जिसने अंधों को आंख दिया, जिसने कुड़िया पाजों को शुद्ध किया, जिसने विधवा के एकलौते पुत्र को जीवन दान दिया, वो यहोवा परमेश्वर, यहोवा जलाल, यीशु नासरी हम सभी के साथ है। वो परमेश्वर हम सभी के साथ है, वो बड़े बड़े मिराकल करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। यदि आप परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, यदि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, टूट चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो आज आपको यीशु मसीह के पास आना है। यदि आप परमेश्वर के पास आए हो, यीशु मसीह के पास आए हो, तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपको हीलिंग देगा, आपको चंगा करेगा। यीशु ने कहा है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। तेरे घर के लोग, तेरे रिश्तेदार के लोग, माता पिता तुझे छोड़ सकते हैं, तुझे भूल सकते हैं, परंतु यीशु ने कहा है तुम मेरे हो। आज बहुत सारे लोग चिंताओं में चले जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपको हीलिंग देगा, आपको चंगा करेगा, क्योंकि अद्भुत मिराकल करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जलाल है। यीशु ने कहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। यीशु हम सभी से प्रेम करता है। यदि आप यीशु मसीह के नाम से बोलते हो बीमारी को, यदि दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी के नाम से डांटते हो, तो परमेश्वर आपको आजाद कर देगा, रिहा कर देगा, हील कर देगा, आजाद कर देगा। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, यीशु के नाम में आप चंगे हो जाओगे, कमांड करते ही आप हील हो जाओगे, आपका विश्वास होगा तो परमेश्वर के जीवन काम करेगा। यीशु ने हम सभी के लिए दुख सहा है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है, 39 कोड़ों की मार उसने सहा है, हम सभी के खातिर यीशु ने हम सभी से प्यार किया है, उसने हम सभी से प्रेम किया है। उसका प्रेम बड़ा है मेरे प्रियजनों, उसका प्यार बड़ा है। हम सभी परमेश्वर की नज़र में बहुमूल्य हैं, उत्तम हैं, बहुमूल्य हैं। यीशु ने कहा है तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे बेटिए हो, मैं तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देने वाला यहोवा जलाल हूँ। अगर तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, विश्वास के साथ बोलते हो, तो परमेश्वर को आज़ाद करेगा, क्योंकि वो आज़ादी देने वाला परमेश्वर है, आज़ादी देने वाला परमेश्वर है।
इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनना है और लास्ट तक सुनना है और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, ठीक है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते। पवित्र आत्मा जी, मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, इसके लिए शुभ पापा हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे पिता, जो आपने हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, एक नया जीवन दिया है, अमर जीवन दिया है मेरे पिता, इसके लिए मेरे परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा से आपकी तारीफ करते, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, जय जयकार करते। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उदासा में हैं, निराशा में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरे परमेश्वर। यस मेरे लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे पिता, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे राजाओं की राजा आपके पीछे है मेरे पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरे परमेश्वर, ये आपके पीछे आए हैं ये पिता। आप यरदन नदी को चट्टान बना के खड़ा करने लगे हुआ जुलर मेरे पिता, ये आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से जाए मेरे परमेश्वर, ये हील हो जाए। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु नासरी के नाम में, रिहा हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। कमांड करता हूँ आपकी बीमारियों पे, आप बीमारियां जाए, रसोलिया गिल्टिया पथरिया पर रसोलिया पर यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम में। मेरे पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, हील हो जाए, चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन बहनों के लिए जिन बहनों की कोख बंद पड़ी है, जिन्हें बच्चे नहीं थे, मेरे परमेश्वर ने संतान दीजिए, बच्चे दीजिए, वे हील हो जाए इस प्रार्थना को सुनकर, वे हील हो जाए, आजाद हो जाए बोलकर आमीन, रिसीव करो बोलकर आमीन, रिसीव करो बोलकर आमीन, हील हो जाओ बोलकर आमीन, रिसीव करो बोलकर आमीन, हील हो जाओ यीशु नासरी के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन घरों में दुष्ट आत्माओं के बंधन, काला जादू के, हर कराधर के बंधन, दुष्ट आत्माओं के बंधन, पति पत्नी के बीच में लड़ा झगड़ा होता है, मेरे परमेश्वर हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं, हर एक आशीष को रोक के रखने वाली गंदी स्पिरिटें छोड़े और जाए इनके घरों से, इनके जीवन से निकल जाए मेरे परमेश्वर, और यह आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, रिहा हो जाए, ये रिहा हो जाए, आजाद हो जाए, इनका घराना आजाद हो जाए, इनका घराना बदल जाए यीशु नासरी के नाम में। मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यीशु मसीह आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे पिता, मैं मांगता ढूंढता हूँ मसीह बहनों के ऊपर आशीष के दरवाजे खुल जाए, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए, ओपन द डोर, ओपन द डोर। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो मसीह बहन रात में नहीं सो पाते हैं, इन्हें डर लगता, भय लगता, प्रभु आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तो भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब जो सुख की नींद आ गई अचानक आने वाले भय से न डरना। पिता, मुझे ऐसा विश्वास है प्रभु आपने प्राण को सुना है, छोटे से भी उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।